हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नानो नूना एंड आई एम बैक विथ माय फर्स्ट ई बुक स्टोरी सेवन किंग्स किंगडम हॉकाई रिवेंज। गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम आगे की कहानी जान लेते हैं। 12 चैप्टर हो चुके हैं और ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं। एकदम सरप्राइजिंग चल रही है स्टोरी, डोंट मिस इट। अभी जो चैप्टर आने वाले हैं वो आपको और भी इंटरटेन करने वाले हैं। तो चलिए हम 13वां चैप्टर शुरू करते हैं। वो पांचों इस बात पर बहस कर रहे थे कि शिवा और वो बिल्ली वाली लड़की एक है या नहीं। तभी वहाँ शिवा की हंस शक्ल आ गई। क्योंकि वो सभी अंदर थे और शिवा दरवाजे पर अंदर की तरफ मुख करके खड़ी थी, इस वजह से उसने उस हंस शक्ल को नहीं देखा। शिवा की हंस शक्ल ने शिवा की गर्दन पर तलवार रखी जो उसने चुराई थी और उसे मंदिर के अंदर ले गई। शिवा घबरा गई थी, इस वजह से वो मदद के लिए चिल्ला नहीं पाई। शिवा के हंस शक्ल, तुम्हारी सोच का जवाब नहीं क्लिंट। शिवा की हंस शक्ल की आवाज़ सुनकर सभी ने उसकी तरफ देखा। उनके सामने शिवा थी जिसने शिवा की ही गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। ये देखकर उन सबको समझ नहीं आ रहा उन दोनों में से असली शिवा कौन है, क्योंकि उन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तुम दोनों में से शिवा कौन है, या फिर तुम दोनों एक ही हो? तो ये सब छोड़ो, पहले तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो और हम लोगों से क्या चाहती हो। इथन, तुम जो कोई भी हो पहले शिवा को छोड़ दो। क्लिंट धीरे से, तुम जानते हो इन दोनों में से शिवा कौन है? इथन, नहीं, बस अंदाजा लगा रहा हूँ। तभी क्लिंट ने अपना तीर निकाला और निशाना लगाया, लेकिन इथन ने क्लिंट को रोकते हुए कहा, क्लिंट हमें अभी नहीं पता है कि इन दोनों में से असली शिवा कौन है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। शिवा के हमसे कर क्लिंट से, तुम्हें क्या लगता है क्लिंट, तुम इसे बचा लोगे? और वैसे भी मुझे पता है कि तुम इसे नहीं बचाना चाहते और ना ही बचाओगे, क्योंकि तुम मेरी तरफ हो। स्टीवन, ये क्या कह रही है, तुम इसकी तरफ हो? क्लिंट स्टीवन की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। शिवा के हमसे कर, हाँ ये मेरी तरफ है, इसने मेरी बहुत मदद की है ना क्लिंट? स्टार्क, ये लड़की क्या बकवास कर रही है, क्या तुमने सच में इसकी मदद की है? स्टीवन, क्लिंट चुप मत खड़े रहो, कुछ तो बोलो, ये लड़की मुझे गड़बड़ लग रही है। शिवा की हमशक्ल, बकवास करना बंद करो और वो किताब मुझे दो। थोर, कौन सी किताब? इथन, तुम्हें किताबें ही चाहिए तो इसमें शिवा को बीच में लाने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही ले लो। शिवा की हमशक्ल, मुझे वो किताब चाहिए जो इस वक्त स्टार्क के पास है, वो सुनहरी किताब। स्टार्क, ये किताब नहीं, ये बॉक्स है। शिवा की हमशक्ल, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और वो किताब मुझे दो। स्टीवन, पागल हो गई हो क्या, ये बॉक्स है। शिवा की हमशक्ल गुस्से में, वो किताब मुझे दो वरना ये लड़की मरेगी, फिर इसकी मरी हुई लाश से पूछ लेना कि ये शिवा है या नहीं। जोड़ देते हुए, क्लिंट वो किताब मुझे दो। क्लिंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये लड़की मर गई तो। क्लिंट फिर से निशाना लगाता है लेकिन इस बार दोनों पर। इथन, नहीं क्लिंट। थॉर, रुक जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। क्लिंट, नहीं, और ये कहकर वो तीर छोड़ देता है। पहला तीर शिवा की हमशक्ल को लगता है जिससे उसके हाथ की तलवार उछलकर हवा में चली गई और उस तलवार को इथन पकड़ लेता है। दूसरा तीर शिवा को लगता है जिसके कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद शिवा की हमशक्ल वहां से भाग जाती है। शिवा बेहोश पड़ी थी। स्टीवन स्टार्क थोर और इथन क्लिंट को देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि क्लिंट कब कुछ बोले। क्लिंट भी उन सब की तरफ देख रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बाहर जाकर खड़ा हो गया। बाकी सब ने एक दूसरे को देखा और वो भी उसके पीछे पीछे बाहर जाकर खड़े हो गए। स्टार्क के हाथ में वो बॉक्स था और वो उसे गौर से देख रहा था। थॉर, ये बॉक्स मुझे देना, हो सकता है ये बाहर से बॉक्स दिख रहा और अंदर किताब हो। इथन, हाँ हो सकता है, लेकिन हम सब इसे अच्छे से देख चुके हैं। स्टार्क, इसे छोड़ो, पहले क्लिंट से पूछते हैं कि वो उस लड़की को पहले से कैसे जानता है। स्टीवन, ये बात उस लड़की ने कही थी,
और हम उस लड़के का भरोसा नहीं कर सकते। थोर, वो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लिंट ने भी ऐसा बिहेव किया है जैसे वो उस लड़के को पहले से जानता है। इथन, एक मिनट, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन क्लिंट हमारा साथी है, हम उसे इतने सालों से जानते हैं, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। स्टार गुस्से में, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, तो तुम चुप ही रहो। तुम और क्लिंट दोनों जासूस हो, दोनों एक जैसे ही हो, जो अपना राज किसी को भी नहीं बताएंगे, भले इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। स्टीवन, रुको, हम सब उसी से पूछ लेते हैं। थोर, हाँ ये सही रहेगा, आपस में लड़ने से तो अच्छा ही है। सभी क्लिंट के पास गए। क्लिंट उनकी तरफ पीट करके खड़ा था और वो चारों सोच रहे थे कि उससे क्या पूछें और कैसे। स्टार्क, क्लिंट, तुम उस लड़की को पहले से जानते हो। देखो, हमें अब और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है। क्लिंट पीछे मुड़ता है और परेशानी भरी नज़रों से उन चारों की तरफ देखता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। स्टीवन, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पहले से पता था? क्लिंट, हाँ। ये सुनकर सभी चौंक गए। थोर, क्लिंट, तुमने पहले क्यों नहीं बताया उसके बारे में? क्लिंट ने नजरें घुमा ली और कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर स्टार्क को गुस्सा आ गया। उसने उस बॉक्स को मंदिर की सीढ़ियों पर रखा और जाकर क्लिंट की गर्दन पकड़ ली। स्टार्क गुस्से में, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? स्टीवन, स्टार्क, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। इथन वहाँ से हट जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो लोग लड़ने वाले हैं। क्योंकि क्लिंट एक स्पाई था तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा तब तक जब तक वो खुद ना चाहे। और स्टार्क का गुस्सा वो थोड़ी देर पहले देख चुका था। थोर, स्टार्क, ये सही तरीका नहीं है पूछने का, पहले शांत हो जाओ उसके बाद में पूछना। क्लिंट, कोई फायदा नहीं है। स्टीवन, यार ये मरवाएगा। ये सुनकर स्टार्क का गुस्सा और भी तेज हो गया और वो क्लिंट को हवा में ले जाता है और वहां से नीचे फेंक देता है। क्लिंट मंदिर की छत पर गिरा और उसे चोट लगी। चोट की वजह से वो हाथ के सहारे से उठने की कोशिश करने लगा। उसकी कोशिशों को देखकर स्टार्क ने क्लिंट को उठाया और उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से क्लिंट फिर से गिर गया और इस बार वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। थोर, स्टार्क, रहने दो, इतना काफ़ी है। क्लिंट स्टार्क से लड़ना नहीं चाहता था, वो बस स्टार्क को शांत करना चाहता था, लेकिन ये बात स्टार्क को समझ नहीं आ रही थी। स्टार्क फिर से क्लिंट पर हमला करता है, तभी स्टार्क थोड़ी देर के लिए गायब हो गया और क्लिंट को नज़र नहीं आया। जब क्लिंट को स्टार्क नज़र आया तो वो बिल्कुल उसके सामने था। उसने क्लिंट को धक्का मारा जिससे वो मंदिर की छत से नीचे गिरने वाला था। ये देखकर स्टीवन और थोर को समझ आ गया कि स्टार्क इस वक्त इतने गुस्से में है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। उन्हें बीच में घुसने की ज़रूरत है। तभी उनकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि क्लिंट नीचे गिरने वाला था और वो नीचे नहीं गिरा। स्टार्क भी क्लिंट को देखकर हैरान था क्योंकि हॉकआई अब पूरा हॉक बन चुका था। उसके पास सफ़ेद बड़े बड़े विंग्स थे। क्लिंट अभी भी शांत था और बाकियों के होश उड़े हुए थे। क्लिंट नीचे आ गया और उन सबके सामने खड़ा हो गया। स्टार्क भी चुपचाप नीचे आकर उनके सबके सामने खड़ा हो गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तो गाइस, आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आपको बड़ा सरप्राइज़ किया होगा इस चैप्टर ने। प्लीज़ गाइस, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितना पसंद आया और क्यों पसंद आया। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।